मेलबर्न में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों से हराकर भारत ने बॉक्सिंग डे टेस्ट जीत लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया हो। आखिरी दिन भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 विकेट की जरूरत थी, लेकिन बारिश की वजह से पांचवें दिन मैच थोड़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन ईशांत ने आखिरी दोनों विकेट निकालकर मैच भारत के नाम कर दिया। इस मैच में भारत ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस जीत के साथ कप्तान विराट कोहली ने विदेशी धरती में टेस्ट जीत के मामले में सौरभ गांगुली के रिकॉर्ड की बराबरी की, तो वहीं विकेटकीपर ऋषभ पंत किसी सीरीज में 20 शिकार वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए। और 72 साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हराया है और बेहद ही शानदार जीत रही है, और ईशांत शर्मा ने आखिरी दोनों विकेट लेकर मैच को भारत की झोली में डाल दिया। इस मैच में भारत ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए और कप्तान कोहली का शानदार प्रदर्शन रहा इस मैच में। विमल कुमार हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। विमल, 72 साल का जो एक कहा जाए कि एक जो कमी थी वो पूरी हो गई है आज इस जीत के बाद। देखिए, पूरी तरह से तो पूरी नहीं हुई क्योंकि एक और टेस्ट मैच का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लगभग पूरी होने के कगार पर आ गई है। 2-1 की बढ़त इस ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ और चौथा टेस्ट मैच जो सिडनी में शुरू होने वाला है 3 जनवरी से, उम्मीद कर सकते हैं कि ये टीम रुकेगी नहीं। क्योंकि अगर आप इस टीम के आक्रमण को देखें, 2018 में तेज गेंदबाजों की जो तिकड़ी है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशान शर्मा, इन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। 2018 का अगर जो साल है वो याद किया जाएगा भारतीय इतिहास में, जब क्रिकेट इतिहास लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में कि किस तरह से आपके 3 तेज गेंदबाजों ने कमाल रचा। और भारत तो भारत, पूरे ऑस्ट्रेलिया में इसकी तारीफ हो रही है। जसप्रीत बुमराह सिर्फ 9 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हुए हैं और लग रहा है कि जैसे उन्होंने 90 टेस्ट मैच का अनुभव दिख रहा है, वो दिखा रहे हैं लगातार। चेतेश्वर पुजारा की आप बैटिंग देखें कि जिस तरह से उन्होंने एडिलेड में 100 बनाया, वहाँ मैच जीता, यहाँ पर उन्होंने 100 बनाया, यहाँ पर मैच जीता। तो ये टीम ये भी दिखा रही है कि भले ही कोहली की हम बात करते रहे हों, लेकिन ये टीम जब टेस्ट मैच जीतती है तो वहाँ पर पुजारा भी अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर रोहित शर्मा भी रन बना रहे हैं, आपके लिए जसप्रीत बुमराह भी विकेट ले रहे हैं, रविंद्र जडेजा भी विकेट ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो बहुत यादगार जीतों में से एक है। और जिस तरह से ये टीम जवाब दे रही है, जब विराट कोहली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, तो उन्होंने रणजी ट्रॉफी को, फर्स्ट क्लास सिस्टम को दिया और जानबूझकर दिया, एक तरह से ऑस्ट्रेलियाई आलोचकों को जवाब दिया जो ये कह रहे थे कि भारत का फर्स्ट क्लास सिस्टम अच्छा नहीं है, रेलवे कैंटीन स्टाफ कह रहे थे इस टीम को। तो एक तरह से क्लासी अंदाज में स्लेजिंग का भी जवाब दिया है टीम इंडिया ने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विमल आपका। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 49 में बिजली विभाग की टीम पर लोगों के हमले से हड़कंप मच गया। ये कर्मचारी वहां बिजली मीटर की चेकिंग के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारी की जमकर पिटाई की। वहां मौजूद एक आदमी ने पहले कर्मचारी को लात से मारा, फिर उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। इस दौरान कर्मचारी छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आदमी ने उसे पीटना जारी रखा। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन किसी ने कर्मचारी को बचाने की कोशिश नहीं की। कर्मचारी ने दावा किया कि बिजली मीटर की चेकिंग के दौरान हमला किया गया। मैंने कहा आपने तो डायरेक्ट चला रखी है और मीटर तो यहां पे है ही नहीं, उसी के लिए गलत रिपोर्ट लगाने के लिए दबाव बनाया, मेरे साथ झगड़ा किया। वही कर्मचारी की पिटाई के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने SPCT से मिलकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जूनियर इंजीनियर के द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर मुकदमा एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने दावा किया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में आइस हॉकी खेली। हॉकी खेलने के लिए पुतिन ने बकायदा तैयारी की, अपने शरीर को गर्माने के लिए उन्होंने वार्म अप किया। पुतिन किसी पेशेवर आइस हॉकी के खिलाड़ी की तरह ही बर्फ के मैदान में खेल रहे थे। उन्होंने एक गोल भी दागा, जिसके बाद उन्होंने चाय का लुत्फ भी उठाया। रूस ने एक ऐसी हाइपरसोनिक यानी आवाज की गति से भी तेज चलने वाली मिसाइल का परीक्षण किया, जिसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहेगा। ये दावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिसाइल के टेस्ट के बाद किया, जो रूस के एक मिसाइल बेस से आग की लपटें और धुआं छोड़ते हुए आसमान की ओर बढ़ी। आसमान में पहुंचते ही मिसाइल ने रफ्तार पकड़ ली। आवाज की गति से भी तेज चल रही इस मिसाइल ने करीब 6000 किलोमीटर दूर रखे गए लक्ष्य को भेद दिया। इस मिसाइल के परीक्षण को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक स्क्रीन पर लाइव देख रहे थे। уже в следующем году
система «Авангард» будет поступать на вооружение. इस मिसाइल के परीक्षण के दौरान रूस की रक्षा से जुड़े कई बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे। पुतिन ने दावा किया कि उनकी ये मिसाइल कई दशकों तक रूस की रक्षा करती रहेगी। यही नहीं, पुतिन ने यह भी दावा किया कि इस वक्त किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक हथियार नहीं है। रूस की नई मिसाइल भी कई खूबियों से लैस है। ये मिसाइल आवाज की गति से 20 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ सकती है। इसे एवेंगर्ड नाम दिया गया है, जो अगले साल रूस के सैनिक बेड़े में शामिल होगी। एवेंगर्ड किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पल भर में भेद सकती है। इस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि किसी भी हथियार के लिए इसको निशाना बना पाना आसान नहीं होगा। रूस का दावा है कि एवेंगर्ड केवल आधे घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कॉलेज में पुलिस की मौजूदगी में छात्रों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखा कि छात्रों को बाल पकड़कर डंडे से बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद छात्रों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं स्कूल प्रशासन ने छात्रों के दो गुटों पर झगड़ा करने और कॉलेज में पढ़ाई का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। ये बाहर के अन्य विद्यालयों के बच्चे आते हैं जी, और इसमें कुछ हमारे विद्यालय के बच्चे भी जो है शामिल हैं जी, और फिर ये बाहर झगड़ते हैं जी। प्लानिंग इनका मुख्य जो है स्थान बन रहा है, इससे बड़ी परेशानी शिक्षण में भी और अनुशासन में आ रही है। सरकार ने ट्रेनों की जनरल टिकट बुक करने के लिए लंबी लगने वाली लाइनों को निजात पाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। news18.com की खबर के मुताबिक सरकार ने जनरल टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए UTS नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से यात्री घर बैठे किसी भी जगह के लिए जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप की मदद से बिना लाइन में लगे यात्री प्लेटफॉर्म टिकट भी ले सकते हैं। दावा किया गया कि UTS ऐप के जरिए यात्री छोटे शहरों के लिए भी आसानी से टिकट कटा सकते हैं। हालांकि स्लीपर और AC क्लास के टिकट पहले की तरह ही IRCTC के ऐप से बुक कराए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म का कांग्रेस ने विरोध किया। यूपी के आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का विरोध करते हुए उसे रिलीज नहीं करने की मांग की। हमीरपुर में हत्या के एक मामले में जेल में बंद कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बिहार के पटना में कलेक्टर ऑफिस के परिसर में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के एटा में पुरानी रंजिश की वजह से एक डिग्री कॉलेज के चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में पुलिस ने मोबाइल फोन लूटने वाले दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 16 मोबाइल फोन बरामद किए गए। यूपी के हापुड़ में चोरों ने ATM को गैस कटर की मदद से काट कर 25 लाख की चोरी को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के पन्ना में उथली खदान में एक मजदूर को मिले करीब 43 कैरेट के हीरे की नीलामी हो गई। नीलामी में हीरा 2,55,00,000 रुपए में बिका। नीलामी के बाद 13.5% टैक्स यानी 18,88,000 रुपए काट कर मजदूर को 2,37,00,000 रुपए दिए जाएंगे। हीरा झांसी के राहुल नाम के व्यापारी ने खरीदा है। अक्टूबर में मजदूर मोतीलाल को मिला हीरा, जिसकी नीलामी हुई, इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। इससे पहले पन्ना में 1961 में रसूल मोहम्मद नाम के व्यक्ति को करीब 44 कैरेट का हीरा मिला था। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स इलाके की एक अवैध कोयला खदान में फंसे 13 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। दावा किया जा रहा है कि खदान में पानी भरने की वजह से ये मजदूर लगभग 17 दिन से इसके अंदर फंसे हुए हैं। जिनको निकालने के लिए NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान कड़ी मशक्कत में जुट गए। गहरी खदान में लोहे के तारों और रस्सी की मदद से NDRF की टीम मजदूरों को बाहर निकालने के काम में पिछले कई दिनों से लगी है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकालने के लिए मशीनों की मदद भी ली गई और लोहे के बड़े ड्रम को रस्सी से बांधकर मशीन के जरिए गहरी खदान में भेजा गया। खदान के अंदर भरा पानी निकालने के लिए कई पंप भी लगाए गए, लेकिन मजदूरों की जानकारी नहीं मिलने के बाद नेवी को मदद के लिए बुलाना पड़ा। जानकारी है कि हाई प्रेशर पंप्स आएंगे, कुछ टीम्स भी आने वाली हैं, कोई बाहर से एक्सपर्ट्स की, और एक जानकारी कि कुछ नेवी भी शायद आज कुछ के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आएंगे। NDRF की टीम के गोताखोरों ने भी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकामयाब होकर बाहर निकल आए। हालांकि गोताखोरों को मजदूरों के टूटे हुए हेलमेट जरूर मिले। इस दौरान मजदूरों को बाहर निकालने के लिए NDRF की टीम ने खदान के पास अपना बेस कैंप बना लिया।